चलो नमस्कार, मैं हूँ हिमांशु शर्मा और आप देख रहे हैं NH1। इस समय हम कड़माल रोड, जो कटरा टाउन से जो कड़माल गांव है उसकी तरफ जो रोड है जो जम्मू की तरफ जाती है, वहां पे एक बस में करीब आधा घंटा पहले आग लगने की खबर आ रही है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि बस यहां जलकर राख हो चुकी है। हम आपको दिखाएं कि ये वो बस है JK141831 और बस जलकर बिल्कुल राख हो चुकी है। और हम आपको बता दें कि काफ़ी लोग जो इसमें सवार थे, चश्मदीदों की माने तो उन्होंने बस से छलांग लगाना शुरू किया और उसके बाद अपनी जान बचाने में कामयाब हुए, लेकिन जो बाहर निकल पाए वो कटरा CSE में ले जा चुके हैं फर्स्ट एड के लिए, लेकिन उनमें से काफ़ी गंभीर भी हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि 3 रिपोर्टेडली अभी डेड हो चुके हैं इस फायर इंसिडेंट में। जी हाँ, 3 व्यक्ति, अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जो कैमरे ने देखा, हम आपको बता दें कि ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी नहीं आई है, हम सीन पे खड़े हैं, ग्राउंड जीरो पे खड़े हैं। 3 व्यक्ति जो हैं वो इस फायर इंसिडेंट में, जो इस बस में JK141831 में आग लगी, उसमें वो 3 व्यक्तियों ने अपनी जान गंवाई है और करीब 25 से 30 लोगों को हॉस्पिटल ले जाया जा चुका है कटरा CSE में, जिसमें काफ़ी गंभीर रूप से भी घायल हैं। और आपको बताते हुए मैं ये बता दूं कि ये बस कटरा से जम्मू की तरफ श्री माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं को लेकर जा रही थी और अभी करीब 1.5 किलोमीटर कटरा बस स्टैंड से आगे पहुंची ही थी कि कड़माल गांव में पड़ते शनिदेव मंदिर के पास इसमें आग लग गई। चश्मदीद बता रहे हैं कि आग लगने के बाद इस बस से लोगों ने छलांग लगाना शुरू किया और जो व्यक्ति बाहर आ पाए, जिनमें महिलाएं भी थीं और बच्चे भी थे, वो लोग तो किसी तरीके से बाहर निकले और उनको पुलिस और लोकल्स की मदद से कटरा CSE ले जाया गया है। और मैं आपको बता दूं कि आज हमें तारीफ सबकी करनी होगी। ऑटो वाला था, लोड कैरियर था, चाहे वो एम्बुलेंस थी, चाहे मीडिया वाले थे, चाहे लोकलाइट्स, सबने उन लोगों को उठाकर पुलिस की मदद से, कटरा पुलिस यहाँ पे, कटरा SHO, कटरा DSP और कटरा SP सीन पे मौजूद थे और उन सबने आज उन लोगों को समय रहते कटरा CSE पहुँचाया है। लेकिन मैं फिर बता दूँ कि गंभीर रूप से काफ़ी लोग घायल हैं और 3 रिपोर्टेडली डेड बताए जा रहे हैं जो हमारे कैमरे ने देखा, लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं आ पाई है क्योंकि गाड़ी के अंदर अभी कोई जा नहीं पाया है। लेकिन अब पुलिस गाड़ी के अंदर गई है और अब जो है पुख्ता रूप से पता चलेगा, कितने लोग यहाँ अपनी जान गंवा चुके हैं इस भयानक आग में। आप देख सकते हैं कि पुलिस के जवान अंदर हैं और कटरा के शहरी विजय परोज जी वो भी यहाँ पे मदद करते हैं और पुलिस यहाँ बिल्कुल मुस्तैद। हमारे साथ यहाँ पे पूरा कटरा आज यहाँ मौजूद है और आप देख सकते हैं पुलिस किस हिसाब से अपना काम कर रही है। जहाँ जो लोग अपनी जान गंवा चुके हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कटरा SDM भी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन सबसे बुरी बात जो हादसा हुआ है वो काफ़ी यहाँ भयानक था और चश्मदीदों की माने तो लोग गाड़ियों से छलांग लगा रहे थे, बस ने इतनी तेज आग पकड़ी, लोग गाड़ियों से यहाँ छलांग लगा रहे थे और अब जो मृत हैं उनको यहाँ निकालने का प्रयास किया जा रहा है। बस बिल्कुल अंदर से चकनाचूर हो गई है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस अपना कार्य करते हुए, थोड़ी हालात हम आपको यहाँ से भी दिखा दें कि यहाँ एक बैग आप साफ देख सकते हैं, बैग पड़ा है, ढोल पड़ा है और यहाँ पे सामान जलकर बिल्कुल राख हो चुका है। ये सीन है कटरा श्री माता वैष्णो देवी से, जो आज बस नंबर JK141831 कटरा से जम्मू की तरफ यात्रियों को लेकर जा रही थी, कटरा सिटी से करीब 1.5 किलोमीटर आगे पहुंची ही थी कि इसने आग पकड़ ली। आग लगने का कारण अभी तक नहीं पता लग पाया है, पुलिस अभी अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट के साथ थोड़ी देर बाद आएगी। फिलहाल जो मृत हैं, 3 are reportedly dead, जो मृत हैं उनको
बाहर निकालने का बस में से प्रयास किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पूरा कटरा यहाँ मौजूद है। लोग इस हादसे में पुलिस की बिल्कुल बराबर मदद कर रहे हैं। एम्बुलेंस यहाँ स्टैंड बाय है, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ है, क्योंकि हादसा ही कुछ ऐसा भयानक था, ऐसा मंजर था। ये आप देख सकते हैं बस की हालत। यहाँ पुलिस मृत शरीरों को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है और हमारे कटरा के लोग आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ बिल्कुल मदद कर रहे हैं पुलिस की। और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, हालांकि हम ज्यादा पास नहीं जा सकते, पुलिस हमें जाने नहीं दे रही, लेकिन फिलहाल यहाँ पुलिस जो मृतक हैं उनको बाहर निकालने का पूर्ण प्रयास कर रही है। ये बस है JK14 1831 जो आज कटरा से जम्मू की तरफ जा रही थी। इसमें काफी मात्रा में श्री माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु भी थे और करीब 1.5 किलोमीटर कटरा सिटी से आगे जाने के बाद कड़माल गांव के पास शनि देव मंदिर के पास इसने आग पकड़ी। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन फिलहाल मैं बता दूं कि यहां पे 25 से 30 लोग घायल हो चुके हैं और तीन लोग मृतक बताए जा रहे हैं। बस अंदर से बिल्कुल जलकर राख हो चुकी है। ये हम कुछ तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं और आप देख रहे हैं कि पुलिस यहाँ पे जो मृत हैं उनको उनका शव बाहर निकालने की कोशिश कर रही है और लोकल्स यहाँ पे बिल्कुल साथ दे रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे ट्रैफिक को सुचारू करने की कोशिश की जा रही है पुलिस द्वारा, पुलिस महकमे के भरत जी यहाँ पे मुश्तैदी पे। लेकिन आज जो दुखद दुर्घटना थी, ये हम आपको बता दें कि इस दुर्घटना में 3 लोग मृत अभी तक बताए जा रहे हैं और ट्रैफिक को यहाँ पे सुचारू किया जा रहा है, क्योंकि एक बिजी रोड है, श्री माता वैष्णो देवी की जम्मू से कटरा तक आने वाली रोड है और ट्रैफिक पुलिस द्वारा यहाँ पे सुचारू करने की कोशिश की जा रही है। SHO निशांत गुप्ता यहाँ ड्यूटी पे, आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। और पुलिस यहाँ पे जो मृत हैं उनको बाहर निकालने की इस बस में से कोशिश कर रही है। कटरा CSC में घायलों को ले जा चुका है और हम आपको बता दें जो घायल हैं उनमें काफी ज्यादा लोग काफी बुरे तरीके से जल भी चुके हैं। और ये बस की डिक्की आप इसकी हालत देख सकते हैं। और यहाँ पे पुलिस चेयरमैन शशि गुप्ता यहाँ मौजूद हैं कटरा म्युनिसिपैलिटी के, और लोग यहाँ पे बिल्कुल साथ देते हुए पुलिस का, और पुलिस यहाँ ट्रैफिक सुचारू करने की बिल्कुल प्रयास कर रही है, क्योंकि काफी बिजी रोड है श्री माता वैष्णो देवी की ये सड़क जहाँ आज ये हादसा हुआ। करीब 1.5 घंटे से गाड़ियां यहाँ पे रुकी हुई थी, ट्रैफिक जाम हो गया था, जो आज ये आग लगी है बस में और एम्बुलेंस यहाँ पे तैनात है। और यहाँ पे DC बबीला रखवाल का काफिला यहाँ पहुंच चुका है, DC बबीला रखवाल का काफिला यहाँ पहुंच चुका है और बिल्कुल बस के सामने वो उतरी है। आप यहाँ साफ देख सकते हैं बबीला रखवाल यहाँ पे मुआयना करने आई हैं कि यह हादसा हुआ कैसे आखिर। SDM कटरा, DC रियासी, SDPO कटरा, SHO कटरा यहाँ पे मौजूद हैं। और फिलहाल ये वो सीन्स हैं जहाँ पे डेड बॉडी को चार। और हम आपको बता दें कि आप देख सकते हैं विजय जी जो कटरा के लोकल हैं, ये पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और यहाँ पे DDC पैंथल राजू मैंगी भी यहाँ मौजूद हैं। और हम आपको बता दें कि काफी इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान हुआ और समय रहते पुलिस यहाँ पहुंची। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशा है, अभी तक 3 डेड बॉडीज यहाँ पे निकाली जा चुकी हैं और दुखद खबर है, क्योंकि लोग यहाँ पे श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आए थे और ये अचानक ये हादसा हुआ, बस में आग लगी। बस में आग कैसे लगी, इन कारणों की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। फिलहाल लोकल्स जो हैं पुलिस के साथ
जम्मू कश्मीर की पुलिस के साथ, कटरा पुलिस के साथ कंधा से कंधा मिलाकर जो मृत पाए गए हैं इस बस में, उनको बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। ये आप आज सबने यहाँ पे अपना एक रोल प्ले किया, डेड बॉडीज और जो इंजर्ड थे उनको मीडिया ने भी उठा के गाड़ी में रखा, पुलिस के साथ बिल्कुल मदद की है आज यहाँ पे। और बड़ा ही दुखद हादसा यहाँ पेश आया है और ये चौथी डेड बॉडी अभी तक बाहर आ चुकी है, आप देख सकते हैं। कुछ हॉस्पिटल है साहब, यहाँ मुस्तैदी से लोगों को सड़क खाली करने के लिए कह रहे हैं, लोग मान नहीं रहे हैं। कुछ हादसा ही ऐसा है, लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक सुचारू करना भी बहुत जरूरी है क्योंकि बस जलकर बिल्कुल इसका ढांचा कमजोर हो चुका है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, हम आपको बता दें। और आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ियां रुकी हुई हैं, लेकिन पुलिस यहाँ पे सुचारू रूप से अपना कार्य करते हुए, यहाँ पे हर एक प्रशासन का अधिकारी मौजूद है और ट्रैफिक को सुचारू करने की बिल्कुल यहाँ पे कोशिश कर रहा है। हम आपको बता दें फिर से एक बार कि ये बस JK141831, ये बस जो है यात्रियों को लेकर कटरा से जम्मू जा रही थी। ये पुलिसकर्मी आप देख सकते हैं अपना कार्य करते हुए और अचानक इसमें आग लग गई और बताया जा रहा है 25 से 30 लोग घायल हुए हैं और करीब अभी तक 4 डेड बॉडीज यहाँ से निकाली जा चुकी हैं। लोकल्स और पुलिस ने मिलकर यहाँ पे काफी लोगों की आज जान बचाई है और कड़माल गांव के लोगों की मदद से, क्योंकि इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर हुई थी और उस इन्फॉर्मेशन शेयर होने का फायदा ये हुआ कि काफी लोगों की जान बचाई जा सकी है। लेकिन जो चश्मदीदों ने बताया है वो ये बताया है कि लोगों ने बस से छलांग लगाई इस हिसाब से, इस तेजी से इस बस ने आग पकड़ी थी कि लोगों का दरवाजे से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था। अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, हादसे को करीबन 45 से 50 मिनट ही हुए हैं, पुलिस का ऑफिशियल बयान आना बाकी है कि क्या कारण था आग लगने का, इसमें थोड़ा समय लगेगा। लेकिन जो हादसा आज पेश आया है श्री माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा में, वो ये है कि एक बस कटरा से जम्मू जा रही थी और बस ने आग पकड़ी। आग का कारण क्या था ये नहीं पता चला, लेकिन फिलहाल 4 लोग रिपोर्टेडली यहाँ पे डेड हैं और हम आपको बता दें कि 25 से 30 लोग यहाँ घायल भी हैं। आगे की जानकारी देने के लिए भी हम आपके पास जरूर आएंगे, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं हिमांशु शर्मा, कैमरामैन प्रदीप सिंह के साथ NH1 न्यूज के लिए।